हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि फाइंड द स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन है, एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, जो एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है जी। तो देखो, गिवेन इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका सेंटर है 0,0 होगा। ठीक है जी, क्योंकि एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, और रेडियस हमारा रूट फोर, मतलब कि 2 हमारा इसका रेडियस हो गया। ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन हमें गिवेन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। भाई एक सर्कल तो इनकी हेल्प से बन जाएगा, लाइन के लिए हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। मैंने बॉक्स बनाया एक्स और वाई, एक्स को 0 लिखेंगे तो वाई की वैल्यू 2, वाई को 0 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 2, एक्स को 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है ना जी। तो देखो, इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पे ये अपना वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये 1, 2। सर्कल को अगर प्लॉट करेंगे तो ये हमारा सेंटर हो गया 0,0, और ये हमारा रेडियस इसका 2 है। तो इस तरीके से 2,2 से होता हुआ हमारा सर्कल बनेगा। ठीक है जी। अब लाइन देखो, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, एक्स 2 वाई 0, तो ये हमारे पास लाइन बन गई एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 2, और एक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इनके बीच में स्मॉलर रीजन हमारा ये बन रहा है। ठीक है जी। तो ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये तो पॉइंट हो गया 0,2 और ये 2,0। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके नीचे का वाला ये सारा का सारा एरिया आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं ये इस लाइन में स्ट्रेट लाइन में इंटीग्रेशन करूँगा तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा। अगर इस वाले पूरे एरिया में से इस नीचे वाले एरिया को माइनस कर दूंगा तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो देखो, आपको क्या करना है, एरिया सर्कल माइनस लाइन करना है। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू है 0 से लेकर के 2, सर्कल में भी और लाइन में भी, तो लिमिट 0 से लेकर के 2। अब सर्कल में y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू आएगी रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ गया रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। माइनस करना होगा 0 से लेकर के 2, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2 माइनस एक्स। ठीक है जी। तो आ गया 2 माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, होता है एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए 0 से 2 माइनस, यहाँ पे 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 2। यहाँ पे अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो आएगा 2/2 रूट में 4 माइनस 4 प्लस का इससे कैंसिल आउट 2 साइन इनवर्स 2/2 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा 0 इंटू में कुछ भी 0, और साइन और 0 भी 0 होता है तो आ गया 0। यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो आएगा 2 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, 0 पुट करूंगा तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक है जी। अब ये आपका 4 माइनस 4 हो गया 0, यहाँ पे बच गया 2 साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है पाई बाई 2 पे, माइनस का 2 इंटू में 2 4 माइनस का ये आ गया 2। तो इसका आंसर आएगा एरिया इज इक्वल टू पाई माइनस का 2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है जी।